नमस्कार आम सहर को स्वागत मु मंदाकिनी प्रथम देखिबा हेडलाइंस। युक्रेन राष्ट्रपति जिलेंस्की को बड़ा बयान 96 घंटे कीव ऊपर कब्जा करिबो रूसिया। राजधानी रे एंट्री कर सारी पुतिन का सेना। सकाळु आक्रमण सह आगो को बढ़ुची रूसिया। पुतिन का सह 25 मिनिट कथा हेले मोदी। नाटो विवाद को आलोचन रे समाधान करने को परामर्श। युक्रेन रे फसीथिबा भारतीयों को आणिबा मुख्य प्राथमिकता। हेल्पलाइन नंबर जारी परे आज वैदेशिक मंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक। युक्रेन रे फसीछंती ओडिया मयूरभंज नवरंगपुर संबलपुर झारसुगुड़ार छात्र छात्री फसीथिबा सूचना। पिलांकु सुरक्षित उद्धार पई परिवार वर्गक गुहारी। गृहमंत्री अमित शाह कथा हेले मुख्यमंत्री। युक्रेन रे फसीथिबा ओडियांकु उद्धार संपर्क रे आलोचना। छात्र एवं श्रमिकंकु सुरक्षित उद्धार नहीं कले निवेदन। समस्तंकु सुरक्षित उद्धार पई प्रतिश्रुति देले शाह। निर्वाचन परिचालना को नहीं बर्षिले बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती। कहिले शासक दल को विजयी करने तैयारी होउची गळाबाट। मैजिशियन भावे काम करछि निर्वाचन कमिशन। चक्षु बंधन करने करा जाउची प्रयास। भोट गणति रे स्वच्छता दाबी रे बीजेपी रो धारणा। निर्वाचन कमिशन का ऑफिस आगरे धारणा देले बीजेपी। शासक दल को जिताइबा को निर्वाचन कमिशन गळाबाट करितिबा बीजेपी रो अभियोग। तेबे आस भावे संपूर्ण खबर को राज्य निर्वाचन कमिशन एक सांबादिक सम्मेलन आसूच आसन देखिबार सीधा प्रसारण। रेमुणा चांदपाली धामनगर एवं विजयपुर एनएससी नूतन भाव गठित होई प्रथम थर पर पौर निर्वाचन अनुषित हो। पुरी म्युनिसिपालिटी पौर निर्वाचन हाईकोर्ट गोटे स्टे अर्डर दे। ब्रह्मपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो कार्यकाल गत सेप्टेम्बर 2018 सरी जा। भुवनेश्वर और कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो कार्यकाल यथाक्रमे जनवरी और फेब्रुवरी 2019 सरी जा। राउरकेला और संबलपुर जो दुईट नुआ कॉर्पोरेशन गठन होता से इलेक्शन गुड़िक हाईकोर्ट रो स्थगित आदेश अच्छे। पौर आईन रो आवश्यक संशोधन परे जिलापाल एवं नगर उन्नयन विभाग 31/1/2022 तारीख में वार्ड गुड़िकर सीमा निर्धारण एवं कॉर्पोरेटर काउंसिलर मेयर एवं चेयरपर्सन पदवी पर आसन आरक्षण चूड़ांत करी राज्य निर्वाचन कमिशन को पाखरे दाखिल करछन्ती। राज्य निर्वाचन कमिशन यह हस्तगत हेबा परे परवर्ती पदक्षेप स्वरूप पौर परिषद पाई वार्ड वारी भोटर तालिका प्रस्तुत पाई 2/2/2022 तारीख रे कार्यसूची घोषणा करछन्ती एवं एही कार्यसूची अनुजाई 24/2/2022 तारीख रे चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाई काली पब्लिश होई। पौर परिषद रो भोटर तालिका प्रस्तुति और पौर निर्वाचन विषय रे आलोचना पाई कमिशन गत 10/2/2022 तारीख रे समस्त राजनैतिक दल सहित बैठक करथिले। इतिमध्यरे नगर उन्नयन विभाग 23/2/2022 तारीख रे विज्ञप्ति प्रकाश करी भोटर माने काउंसिलर कॉर्पोरेटर चेयरपर्सन मेयर निर्वाचित करने आह्वान करछंती। राज्य रे मोट 106 पौर परिषद 47 म्युनिसिपालिटी और 59 एनएससी एवं 3 पौर निगम रे साधारण निर्वाचन हेबो। 106 पौर परिषद पर मोट 37 वार्ड रे 3030 बूथ अच्छी एवं 27 लक्ष रु ऊर्ध भोटर अच्छा। 3 पौर निगम मोट 168 वार्ड रे मोट 168 वार्ड रो 47 बूथ थिबा बेले 14,26,000 रु अधिक भोटर अच्छा। प्राथमिक भोटर तालिका प्रकाशन हेबा परे राजनीतिक दल मानक एक कॉपी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी
दिजापी कमिशन निर्देश देते जिले पालन कर राज्य प्रथम थर पर मेयर एवं चेयरपर्सन निर्वाचन डायरेक्ट हम एवं यहाँ कमिशन आवश्यक पदक्षेप नहीं चेयरपर्सन एवं मेयर पदवी पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो प्रत्येक बूथ रे एथरो दीटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेपरेट कंपार्टमेंट रे व्यवहार करा जीवो गोटे काउंसिलर ओब्लिक कॉर्पोरेटर पे आ गोटे चेयरपर्सन और मेयर निर्वाचन पे काउंसिलर कॉर्पोरेटर निर्वाचन पे गोलापी रंगर कागज एवं चेयरपर्सन मेयर निर्वाचन पे हलदिया रंगर कागज ईवीएम रे व्यवहार करा जीवो जोटा ऊपर लगा जीवो तांकर जो बैलेट पेपर जोटा समान रंगर स्टिकर कंट्रोल यूनिट रे लगा जीवो माने हलदिया रंगर कंट्रोल जो कंट्रोल जो चेयरपर्सन और मेयर पे जो कंट्रोल यूनिट हलदिया रंगर आउ काउंसिलर कॉर्पोरेटर पे जोटा कंट्रोल यूनिट अच्छे से गोलापी रंगर कागज लगा स्टिकर लगा जीवो प्रथम थर पे पौर निर्वाचन रे ईवीएम रे मोटा ऑप्शन रहइबो नन ऑफ द अबव जोटा बैलेट यूनिट रो शेष प्रार्थी परे नोटा रहइबो एनओटीए निर्वाचन रे जो माने कंटेस्ट करचुंदी से मानको पई जो खर्च सीमा अछि सेटा निर्वाचन कमिशन ऑलरेडी नोटिफाई कर सरचुंदी 50,000 पर्यंत जनसंख्या थिबा एनएससीओ म्युनिसिपैलिटी पई काउंसिलर रो लिमिट होउछि 50,000 टंका एवं चेयरपर्सन रो लिमिट होउछि 2,00,000 टंका 50,000 रु 1,00,000 मध्य जो पॉपुलेशन अच्छी म्युनिसिपैलिटी गुड़िक काउनसिलर मान खर्च सीमा हूँ 75,000 टंका आउ चेयरपर्सन मान खर्च सीमा हूँ 3,00,000 टंका 1,00,000 रु अधिक जनसंख्या थिबा म्युनिसिपैलिटी काउनसिलर मान 1,00,000 टंका एवं चेयरपर्सन मान 5,00,000 टंका एवं तीनोटी कॉर्पोरेशन रे कॉर्पोरेटर मान 2,00,000 टंका एवं मेयर पे जो मैंने कंटेस्ट कर खर्च सीमा हूँ 12,00,000 टका से ही आम जो वेहिकल लिमिट भी अनाउंस कर सारी काउनसिलर एवं कॉर्पोरेटर पर दुईटी वेहिकल चेयरपर्सन मानक चारोटी गाड़ी मेयर पर 6 गाड़ी एवं पॉलिटिकल पार्टी प्रत्येक कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी आउ एनएससी पर 2 लेखा गाड़ी निर्वाचन में अंशग्रहण कर प्रार्थी नाम हूँ शिक्षागत योग्यता अपराधिक मामला एवं संपत्ति तालिका से विषय द्वितीय हूँ गोटे स्त्री जीवित एवं 2 रु अधिक पिला ना से विषय आमर जो शेड्यूलटा अच्छी नोटिस इश्यू हम इलेक्शन ऑफिसर करेंगे 28/2022 शेड्यूलटा बोथ कॉर्पोरेशन एवं म्युनिसिपैलिटी और एनएससी मानक सेम शेड्यूल नोटिस इश्यू हूँ 28/2022 नॉमिनेशन रिसीव करा जीवो 2/3/2022 रु 7/3/2022 6 पे नॉमिनेशन रिसीव करा जीवो इतने जो पब्लिक हॉलिडे अच्छी से दिन भी नॉमिनेशन रिसीव करा जीवो ऑल 6 डेज स्क्रूटिनी हम 9/3/2022 तारीख दिन विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर यहाँ हूँ 24/3/2022 एथिरे गवर्नमेंट हॉलिडे मिसिबनी जो गवर्नमेंट हॉलिडे दिन विथड्रॉल हो पारे कि बाकी दिन में जो वर्किंग डे अच्छी से विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर हो पार पोलिंग डेट अच्छी 24/3/2022 आउ काउंटिंग ऑफ वोट्स आउ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अच्छी 26/3/2022 आउ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी मेयर एवं वाइस चेयरपर्सन जोटा आम इनडायरेक्ट इलेक्शन हम सेटा डेप्यूटी मेयर पर 8/4/2022 डेट अच्छी और वाइस चेयरपर्सन पर 7/4/2022 म्युनिसिपैलिटी एनएससी एवं कॉर्पोरेशन पर होगा निर्वाचन में राजनैतिक दल भित्ती हम सब सबूक पोस्ट पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से यही निर्वाचन में अंशग्रहण करने को चाहूबा राजनीतिक दल मैने दल पक्षर जो ऑथराइज पर्सन अच्छी से ना फॉर्म नंबर 9 अच्छी म्युनिसिपैलिटी एवं एनएससी मानक फॉर्म नंबर 12 अच्छी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
সেই ফর্মে ফিল আপ করি সম্পৃক্ত নির্বাচন অধিকারী নিকটে মনোনয়ন পত্র যাঞ্চর দুই দিন পূর্ব অর্থাৎ 7 তারিখ অপরাহ্ন 5:30 মধ্যে দাখল করবে। এটা ডেডলাইন হচ্ছে যে অথরাইজ পর্সন না দেওয়া পাই ইলেকশন অফিসর কু সেটা হচ্ছে 7 মার্চ 2022 বাই 5:30 PM। সেইপরি টিকেট যেটা ইস্যু করা যাব যে অথরাইজ পর্সন দেবে দলীয় টিকেট মুনিসিপালিটি এন এসি মানুষ গোটে ফর্ম নম্বর 10 অছি আউ কর্পোরেশন মানুষ ফর্ম নম্বর 11 অছি সেইথিরে সম্পৃক্ত নির্বাচন অধিকারী নিকটরে মনোনয়ন পত্র যাঞ্চ পূর্ব দিন অর্থাৎ 8/3/2022 অপরাহ্ন 5:30 মধ্যে দাখল করবে। তো এইটা ডেডলাইন হচ্ছে বহুত ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি মানুষ তেমনি মু আজি প্রেস কনফারেন্সে বি সেটা জনাই দেছি। পঞ্চায়েত নির্বাচন ভি এই ফর্ম কমিশন নিকটে দাখল করা যাব না। পঞ্চায়েত ইলেকশন বেড়ে এটা আমাকে দিয়া হোক এটা কিন্তু এবার পলিটিক্যাল পার্টি মানে ডাইরেক্টলি ইলেকশন অফিসর কু নিকটে ফর্ম দাখল করবে। আদর্শ আচরণ বিধি সম্পৃক্ত পৌর পরিষদ ও পৌর নিগম হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ 25/2/2022 আজি 26/3/2022 যেদিন কাউন্টিং আছে সে পর্যন্ত বলবত্তর রহব। এখানে থিং টু নোট ইজ কি এটা কেবল সে অর্বান এরিয়ারে যেটি ইলেকশন হব সেইটি হি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল। পঞ্চায়েত ইলেকশন সময় এন্টার স্টেট্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল হয়েছিল যেহেতু অর্বান ইলেকশনটা লিমিটেড নম্বর অফ পর্সনস পঞ্চায়েত ইলেকশনরে আমার 2,80,00,000 ভোটর লে এতে মোটে 41,00,000 ভোটর অনেক তো আমার এটা কেবল অর্বান ইয়ারে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল। তেবে আপনার দেখুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সাংবাদিক সম্মেলনী যা সূচনা দিয়েছেন যে 24 মার্চ পৌর নির্বাচন আরম্ভ হব। এই তারিখ বর্তমান ঘোষণা করছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনর এবং যা সূচনা রয়েছে যে পৌর নির্বাচন পাই বিগুল বাজি সারিছি। 24 মার্চ আরম্ভ হয়েছিল পৌর নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া রয়েছিল এবং 28 ফেব্রুয়ারি নোটিস জারি করা যাব সে নিয়ে মধ্যে সে সাংবাদিক সম্মেলনীরে সূচনা দিয়েছেন। তবে প্রথমথর ভোটর নোটা বিকল্প রহব বলে সে কেন প্রথমথর যে ভোটর মানে ভোট দেবে সে নোটা বিকল্প রহব। 24 মার্চ হি আরম্ভ হয়েছিল পৌর নির্বাচন। পৌর নির্বাচন তারিখ ঘোষণা করছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন। পৌর নির্বাচন হব বলে তারিখ ঘোষণা করছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন যা সাংবাদিক সম্মেলনী করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আদিত্য প্রসাদ পাড়ি সূচনা দেখে 28 ফেব্রুয়ারি এই নোটিস জারি করা যাব এবং 24 মার্চ আরম্ভ হয়েছিল পৌর নির্বাচন এথিপাই পিপুল বাজি সারিছি। মার্চ 26 হব ভোট গণতি। তবে প্রতি বুথে 2টি ইভিএম মেসিন রহব বলে সে সূচনা দিয়েছেন এবং 28 ফেব্রুয়ারি হি নোটিস জারি করা যাব এবং প্রথমথর যে ভোটর মানে আসবে ভোট দেওয়া সে নোটা বিকল্প রহব বলে যা সূচনা দিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তবে 24 মার্চ পৌর নির্বাচন পৌর নির্বাচন বাজিলা বিগুল। 24 মার্চ হি আরম্ভ হয়েছিল পৌর নির্বাচন। মার্চ 26 হব ভোট গণতি এবং প্রথমথর যে ভোটর মানে ভোট দেবে সে নোটা বিকল্প রহব বলে সে সূচনা দিয়েছেন। এসে প্রতি বুথে 2টি লেখায়ে ইভিএম মেসিন রহব বলে সে সূচনা দিয়েছেন। তবে এই সব নোটিস 28 ফেব্রুয়ারি জারি করা যাব বলে যা কেছেন নির্বাচন কমিশন। তবে পৌর নির্বাচন বাজি সারিছি বিগুল। 24 মার্চ হব পৌর নির্বাচন এবং 28 ফেব্রুয়ারি জারি হব নোটিস। প্রতি বুথে 2টি লেখায়ে ইভিএম মেসিন রহবা সহ প্রথমথর যে ভোটর মানে ভোট দেওয়া আসবে সে নোটা বিকল্প রহব।
राज्य निर्वाचन कमिशनर तारीख घोषणा कर सारी पौर निर्वाचन बिगुल बाजि सारी 24 मार्च रु होगाकूँ पौर निर्वाचन अर्थात अरबान एरिया रे एही निर्वाचन करा जिवो एवं 28 फेब्रुआरी नोटिस जारी करा जिवो एहा सहित प्रतिटी बूथ रे दुईटी लेखाएं ईवीएम मेसीन रहिबो बोली जहाँ से सूचना देछंती एवं प्रथम थर पई जो वोटर माने वोट दबा पई आसबे सेमानक पई नोटा विकल्प रहिबो अर्थात से जदि चाहिबे प्रथम थर पई जो वोटर माने वोट दउछंती जदि चाहिबे जे कोनोसी प्रार्थी तांकु भलो लागु नाही तेबे सेमानक पई विकल्प रहिछि नोटा तेबे एथिने तारीख घोषणा करछंती राज्य निर्वाचन कमिशनर 24 मार्च रु ही पौर निर्वाचन पई तारीख घोषणा करा जाइछि एवं 28 फेब्रुआरी रे बाहरिबो नोटिस तेबे संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई आम सहित जोड़ी होइछंती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त जहाँ वर्तमान सूचना आसी पहुँचुची जे पौर निर्वाचन पई बिगुल बाजि सारी 24 मार्च रु ही पौर निर्वाचन आरंभ होइजिवो कोन रहिछि एनी अपडेट खबर निहाती भाव में मंदाकिनी आपण जो कथा कहले ए किछि समय आगर राज्य निर्वाचन कमिशनर सीधासलख सांबादिक सम्मेलनी माध्यम रे घोषणा करछंती जे पौर निर्वाचन तारीख घोषणा करछंती एवं आपण जानिथिबे जे पाखापाखी 3 वर्ष रु 3.5 वर्ष हम राज्यर विभिन्न पौर परिषद पौर निगम एवं जो आम रही महानगर निगम गुड़िक निर्वाचन निर्वाचन होना सेगुड़िक निर्वाचित प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहांती तेणु यही घोषणा निहाती भाव में राज्यवासी विशेष भाव में पौरांचल रुवा जो भोटर मैंने अधिवासी मैंने भाव में खुशी खबर और जो कथा आम आलोच जहाँ निर्वाचन कमिशन सूचना देखते आसंता आम जी डेट देखा 24/3/2022 अर्थात मार्च 24 तारीख में निर्वाचन हेबो एवं ता पूर्व तार प्रक्रिया नहीं कि मध्य से सूचना देखती नोमिनेसन अर्थात आम क्षमा करेंगे नोटिस विज्ञप्ति पौर निर्वाचन विज्ञप्ति बाहर 28/2022 अर्थात मस 28 तारीख दिन मस शेष तारीख दिन नोटिस बाहर एवं नोमिनेसन हम 6 दिन धरिकी नोमिनेसन हम एथिपाई प्रार्थी मैंने नोमिनेसन करें 2 मार्च 2022 रु 7 मार्च 2022 पर्यंत एवं विशेष भाव में छुट्टी दिन जदि रही थोड़ा छुट्टी दिन मध्य नोमिनेसन करोमेसन करें प्रार्थी मैंने जो नोमिनेसन गुड़िक जो नामांकन पत्र गुड़िक दाखल हम सेगुड़ी स्क्रुटिनी से तारीख घोषणा कर मार्च 9 तारीख दिन स्क्रुटिनी समस्त प्रार्थी जो नामांकन पत्र दाखल होगुड़ स्क्रुटिनी जो मैंने नामांकन पत्र प्रत्याहार करने चाहिए जो प्रार्थी मैंने से 14 तारीख पर्यंत पाखे समय रही 14 मार्च पर्यंत समय रही विड्रॉल करें प्रत्याहार करें छुट्टी दिन छाड़ देकी अन्य दिन मानक प्रत्याहार करें विशेष भाव में जहाँ सूचना रही 24 मार्च अर्थात मार्च 24/2022 तारीख दिन पौर निर्वाचन वोटिंग हम पोलिंग हम लोक मैंने मत सब्यस्त करें काउंटिंग कथा गणति कथा जी आम देखा भोट गणति 26/3 अर्थात 26 मार्च 2022 मार्च 26 तारीख दिन गणति हेबो एवं से दिन ही रिजल्ट डिक्लेयर हेबो अर्थात फलाफल से दिन ही घोषणा करा जिवो एवं विशेष भाव में इलेक्शन हाँ आ सहित आम जब नजर पकाइबा डेपुटी मेयर एवं वाइस चेयरमैन अर्थात उप जो मेयर रही डेपुटी मेयर एवं जो उप जो पौरा हाँ वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष निर्वाचन 8 एप्रिल 2022 एवं 7/4/2022 यही दुई दिन धरिकी हम 8 एप्रिल 2022 और 7 एप्रिल 2022 यही दुई दिन धरिकी हम एवं अन्यान्य जहाँ सूचना देखते जदि आम नजर पकाइबा मंदाकिनी निश्चित भाव में जो कथा कहते निर्वाचन कमिशन जे 106 पौर परिषद से आम जदि नजर पकाइबा 47 म्युनिसिपालिटी रही 69 रही 59 एनएससी रही सहित 3 पौर निगम बा महानगर निगम रे यही साधारण निर्वाचन हेबो जदि देखिबा आम 106 जो पौर परिषद रही 1731 वार्ड रही 1731 वार्ड रे 30 बूथ अच्छी पाखापाखी 27 लक्ष ऊर्ध भोटर अच्छा जहाँ निर्वाचन कमिशन सूचना देतीपरी आम जदि महानगर निगम कथा कह 3 महानगर निगम 168 मोट वार्ड रही वार्ड गुड़िक 1400
7 बूथ रही पखापाखि 14,26,000 रु अधिक भोटर अच्छा जदि आम समुदाय भोटर कथा देखा तेज पखापाखि 41,00,000 रु ऊर्ध भोटर अच्छा जहाँ सूचना दि जाइए निर्वाचन कमिशन पक्षर एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हो आज अर्थात आज जितेबाला निर्वाचन कमिशन घोषणा कले तारीख घोषणा कले पौर निर्वाचन अर्थात 25/2022 अर्थात आज ठार 26/3/2022 26 मार्च 2022 पर्यंत जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट बा आदर्श आचरण विधि लागू हो जाए गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ केवल पौराल गुड़िक अर्थात जो जगार निर्वाचन हम पौर अंचल एनएससी म्यूनिसिपालिटी एवं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन यही अंचल गुड़िक जो आदर्श आचरण विधि लागू हम जहाँ आम पूर्व देखे पंचायत निर्वाचन समय समग्र राज्य आदर्श आचरण विधि लागू होता किंतु यही पौर निर्वाचन में केवल पौराल गुड़िक आदर्श आचरण विधि लागू हम जेहेतु भोटर संख्या कम रही पंचायत निर्वाचन में भोटर संख्या पाखापाखि 2.5 कोटी रु अधिक से समग्र राज्य में लागू होता है सहित अन्न्य सूचना कथा जी आम नजर पकाइबा तबे जो केते गाड़ी प्रचार बेले जो प्रार्थी माने रही व्यवहार करें जो माने प्रार्थी हे निर्देशावली रही काउनसिलर बा कॉर्पोरेटर मानक से माने दुईटी गाड़ी व्यवहार करें प्रचार समय रे जो माने अध्यक्ष पदपाई पौराध्यक्ष पदपाई जो माने निर्वाचन लड़ुचंती निर्वाचन लड़िबे से माने 4 गाड़ी व्यवहार करें सर्वमोट 4 गाड़ी एवं जे मेयर पदवीपाई निर्वाचन लड़ुचंती सीए मोट सर्वमोट 6 गाड़ी व्यवहार करें प्रदीप तो जमी आप आलोचना करौर निर्वाचन विगुल बाजी सारी बर्तमान समस्त अंक कषा आरंभ करदे पूरा घटना पर आप नजर रखि था प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना भोट गणति रे स्वच्छता दाबी रे बीजेपी रा विक्षोभ निर्वाचन कमिशन को ऑफिस आगे धारणा देला बीजेपी शासक दल को जिताइबा को निर्वाचन कमिशन गळाबाट प्रस्तुत करथुपा बीजेपी पक्षरु अभिजोग होईछि निर्वाचन रा प्रथम चरण रु नामांकन ठारु वोटर लिस्ट प्रस्तुत दिन रु बीजेपी अभिजोग करि आसीछि सरकारी कळ प्रशासन पुलिस प्रशासन रो पक्षपातिता करछति समस्त तथ्य प्रमाण निर्वाचन कमिशन को दिया जाइथिले मध्य कोनोसी पदक्षेप निया जाए निर्वाचन कमिशनर का भूमिका संदेहास्पद बोली अभियोग होइछि भोट गणति रे जालियाती करिबार संदेह करा जाउछि तेणु विभिन्न स्थान रे प्रार्थी माने मंचा बांधि स्ट्रांग रूम जगिछन्ते तेबे संपर्क रे अधिक सूचना देबा पे आम सहित जोड़ी होइछन्ते आम प्रतिनिधि रोशन रथ रोशन जदि देखिबा निर्वाचन जेबेठारु मतदान प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि सेबेठारु ही आमे हिंसार चित्र सामना करि आसीछे आ वर्तमान खास करी भोट गणतिर समय आसीछि तेणु भोट गणति रे स्वच्छता आणिबा पई बीजेपी पक्षरु वर्तमान विक्षोभ करा जाइछि आपण वर्तमान घटनास्थल रे उपस्थित अछन्ति कोन चित्र देखुछन्ति सेठारे देखो निश्चित भाव में मंदाकिनी गोटे पटे पंचायत इलेक्शन सरी जाइए एवं आसंता काली पंचायत इलेक्शन रो गणति आरंभ हम किंतु ता पूर्वरु बीजेपी प्रश्न उठाई जे पंचायत इलेक्शन किभली भाव में स्वच्छतार सहित हम गणति किभली भाव में स्वच्छता सहित हम ताकू नहीं प्रश्न उठाई तेणु जेहेतु विभिन्न स्थान में जितेबाला इलेक्शन चलता से समय आम विभिन्न स्थान में बूथ कैप्चरिंग फल्स भोटिंग यू चित्र देखुलू तेणु गणति केउठिना केउठी ठीक भाव में नहबार आशंका करछि बीजेपी जो बीजेपी पक्षर आज निर्वाचन कमिशन का आगे धारणा दि जाए यह हूँ चित्र आप देखिपे बीजेपी पक्षर धारणा दि जाए आम प्रतिक्रिया नवा कौन पर आप आज ये धारणा बस देखु निर्वाचन कमिशन गोटे 8 तारीख दिन चिठी दे जो थे कि जो भोट धरीनियंतु पुलिंग 100 एवं जदि बाक्सर बाहर 110 तो से 110 को मानि ने गोटे चिठी दे ये चिठी ना विरोधी दल को दिखाई ना कौन सी विधानसभा कथबार्ता ना अपोजिशन लीडर सहित कथा कौन से किसी है तो से ये जो गला बाट दे कि विजु जनता दल को जितेबापी जो अपचेषा करवाचन कमिशन से चिठी को प्रत्याहर करतु एवं गणतंत्र को रक्षा कर सुरक्षा दिंतु कहीं विजु जनता दल को जितेबापी सब प्रकार षड्र कर डे वन रु नोटिफिकेशन टू नहीं कि भोटर लिस्ट तैयारी करने नहीं कि आज पर्यंत से ये निर्वाचन कमिशन
कोटिना कोटि बिजु जनता दल को जितेबापाई प्रीति रखुचंती एवं तांकु गळा रास्ता देकी सहयोग करचंती सेतिपे आमे धारणा करिचु निर्वाचन कमिशन को आम राज्य सभापति श्रीयुक्त समीर महांती एबे देखा करिवे एवं तांकु कैपत मागिवे से जो चिट्ठी देइचंती से वेबसाइट रे बिसी चिट्ठी नाही से चिट्ठी वेबसाइट रे भी नहीं आपण खाली कोर्ट को जाई चैलेंज कर पारे नहीं कि गोटे कन्फ्यूज कर वीडियो को देखते तो से निर्वाचन कमिशन निजर निष्पत्ति नियंतु जे काउंटिंग रे निरपेक्षता रखु एवं काउंटिंग रे जो वोट बाक्स जिते बैलेट पड़ थो कि प्रिजाइडिंग अफिसर जी लिखिकी से मानवे नहीं कि भोट बाक्स जिते थी सही से मानवे बर्तमान स्ट्रंग रूम भितर रही जी बैलेट पेपर भोट बाक्स सब स्ट्रंग रूम भितर रही कि गोटे दिन आसंता का काउंटिंग हम आज कहीं आपको एमती सन्देह प्रकट हो कि जालियाती पारे जहाँ को सन्देह प्रकट कर जो आपची धारणा नहीं पड़े कौन एमती परिस्थित उपजी जो आप भावुंजे जालियाती पारे भोट काउंटिंग में भी विभ्राट आसी पारे देखु लोकंतर विश्वास हरई निर्वाचन कमिशन आज जो स्ट्रंग रूम कथा आपण कहते स्ट्रंग रूम रे भोट बाक्स थिला बेले जो माने जगी जगी लोक माने किंतु एठी प्रश्न उठू ये निर्वाचन कमिशन शासक दल को जितेबापी जिते प्रकार गला बाट या आईनगत सिद्ध करने चाहते जे भोट बाक्स जो भोट बाहर जिते भोट बाहर ता सिद्ध एवं ताही गणा हे किंतु जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सर्टिफिकेट दे 11 फॉर्म रे एवं जोटा समस्त एजेंट सम्मुखें एतिक बूथ रे एतिक भोट है से तार जो परिमाण संख्या जो देखा काउंट को नियाजिबो नाही केवल भोट बाक्स जहाँ बाहर ता अर्थ जो मैनिपुलेशन जोटा हेराफेरी स्ट्रंग रूम रे बूथ रिगिंग रे ये टेम्परिंग हो ये कथा को आईनगत सिद्ध करने निर्वाचन कमिशन एक चिठी कर जो चिठी बल ये कथा को आईनगत सिद्ध करने बस तेणु से जो चिठी जो करतर मानुआल नहीं सर्वदल बैठक में आलोचना है ना निर्वाचन कमिशन वेबसाइट आलोचना कर भोट गणति में स्वच्छता दाबी वर्तमान बीजेपी रो विक्षोभ जारी रही पूरा घटना पर आप नजर रखि था रोशन बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना पाए समय सर बुलेटिन को नमस्कार।